नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप भाग्यशाली हैं और कौन सा चिन्ह है जो आपको भाग्यशाली बना रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। हम एक दूसरे के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले वो कौन से इतने प्रभावशाली हैं, कौन से ऐसे सौभाग्यशाली चिन्ह हैं जो आपके जीवन में आपको सौभाग्यशाली बना देते हैं। जीवन में सब कुछ मिलता है, बस आपको एक कर्म करने की जरूरत होती है। अगर ये चिन्ह है तो आपके आने वाले समय में बढ़ोतरी का काम करते हैं, आपको सुख सुविधा देने वाले काम करते हैं। सबसे पहले ये गुरु का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं। गुरु का पर्वत, गुरु का पर्वत मान सम्मान का होता है, ज्ञान का होता है। ऐसे लोग धार्मिक नेचर के होते हैं, किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं, एक वहां का प्रबंधक का काम करते हैं, एडवाइस का काम करते हैं। कहते हैं ना, इसे ज्ञानमय वाले लोग होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और इसी के ऊपर अगर ये क्रॉस का साइन बनता है, क्रॉस का साइन हस्तरेखा में वैसे ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु के पर्वत पे इसका बहुत शुभ प्रभाव मिलता है। वैसे मैरिज लाइफ को सपोर्ट करता है, खुशहाल बना देता है। ऐसे लोगों की जो मैरिज होती है काफी सुखमय होती है। और यहां पर गुरु के पर्वत के ऊपर अगर ये चिन्ह है तो आप जीवन में भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से एक हम चिन्ह देखते हैं, इस हमारे जीवन रेखा से ऊर्ध्वमुखी रेखा निकलना। ऊर्ध्वमुखी रेखा जीवन के निरंतर प्रयास को बताती है। आज आपका समय कैसा भी है, यह आपको स्थिरता देती है, आपके जीवन में बढ़ने का एक लक्ष्य देती है। ऐसे लोग अपने जीवन में हर उस लक्ष्य को पूरा करते हैं, उस अपने काम के प्रति उत्साहित होते हैं, जीवन में अग्रसर रहते हैं। कहते हैं ना कि आपके पास भाग्य की प्रबलता को दर्शाती है ये हमारी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं, और ये जीवन में सफलता की एक कुंजी है। जैसे कि हमारी ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के साथ अगर ये ऊर्ध्वमुखी रेखा बनती है, जीवन में तरक्की, जीवन में विकास, जीवन में हर सफलता दिलाने का राज रखती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं हस्तरेखा में दीप, दीप यहां पर ये बनता है, ये दीप जिसको हम बोलते हैं, ये दीप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जीवन में हर लक्ष्य को पूरा करता है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक बुद्धा, इस कहते हैं ना, तेज दिमाग वाले होते हैं। और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस पावर बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं के बारे में ये पता लगा लेते हैं कि मेरा कल का समय कैसे होता है। और कहीं भी इनको भेज दो, ऐसे लोग निपुण होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं। जीवन में सारी सुख सुविधा अगर ये बुद्ध का पर्वत है, माफ करना, ये बुद्धाइज है, ऐसे लोग काफी तेज दिमाग वाले होते हैं, सिक्स सेंस इनकी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है।
आने वाली घटना को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, इनको कहीं भी बैठा दो किसी के पास, उसके मन की एक्टिविटी को परख जाते हैं। और इसी प्रकार से हम शनि के पर्वत के ऊपर देखते हैं फिश का साइन, यहां पर फिश की साइन बनती है, ये फिश की साइन है। फिश की साइन हस्तरेखा में कहीं भी हो, इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं मिलता है, अच्छा ही प्रभाव मिलता है और जीवन में तरक्की का एक राज है। ऐसे लोग गूढ़ विद्याओं में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, जैसे कि पामिस्ट्री हो गया, ज्योतिष हो गया, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इसके माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से ये सूर्य की फिंगर है, सूर्य का फिंगर एक मान सम्मान का ये जो पर्वत है माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में काफी तरक्की अवश्य करते हैं अगर ये सूर्य का पर्वत समान रूप से उठा है और सूर्य की फिंगर बड़ी है और इसके ऊपर एक सूर्य की रेखा है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको मान सम्मान, अगर ये बड़ी सूर्य की एक रेखा है तो आपकी आपको सरकार के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाती है। और इसी प्रकार से बुध के पर्वत के ऊपर स्टार, ये स्टार बनता है, यहां पर जो स्टार होता है, ऐसे लोग एक नई नई तकनीक सोचते हैं, व्यापार में निपुण होते हैं और कहते हैं ना ऐसे लोगों को रिसर्च करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो और रिसर्च करने का अनुसंधान का केंद्र माना जाता है अगर यहां पर बुध के पर्वत के ऊपर स्टार बनता है। ऐसे लोग काफी सौभाग्यशाली होते हैं और काफी भाग्यशाली होते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।